अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि ये वाली ट्रेनिंग किन लोगों के लिए सूटेबल है, किन लोगों को ये ज्वाइन करनी चाहिए और किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, वो आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। बहुत सारे मेंटर्स आपको कहते हैं कि आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, स्किल्स आपको नहीं आनी चाहिए और आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल। तो वो सारे फेक होते हैं, या फिर उनमें कोई बहुत सारी ट्रिक्स थोड़े अरसे के लिए काम करती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप इस फ्रीलांसिंग के अंदर अपने कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि आपको लेजिटली गाइड करने की ज़रूरत है, ताकि आपको इन एंड आउट और प्रोज एंड कॉन्स सब चीज़ों के पता हो। तो आपके पास मस्ट कोई भी स्किल होनी चाहिए। आप वीडियो एडिटर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप जो है आर्टिस्ट हैं, आप कोई सिंगर हैं या कोई भी हैं, तो आपके पास एक छोटी स्किल लाजमी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किल क्या है या कौन सी स्किल आपको बिगनिंग के अंदर सीखनी चाहिए, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा कि कौन सी स्किल आपको चूज़ करनी चाहिए मार्केट की डिमांड के लिहाज से, और कौन सी स्किल जो है वो आप सीख सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर और अपनी इनकम जो है वो मिनिमम टाइम के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें। उसके बाद आपको बेसिक्स इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी एजुकेशन मिनिमम जो है 12th होनी चाहिए, FSC आपने की हुई हो, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कम्युनिकेशन आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करना है, तो हमें थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की एथिक्स और कम्युनिकेशन की बेसिक्स पता होनी चाहिए। मज़ीद आपको जितनी पता है उतनी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मज़ीद मैं इस कोर्स के अंदर आपको कम्प्लीट गाइड करूँगा कम्युनिकेशन के हवाले से भी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है बेसिक तो यही रिक्वायरमेंट है, बाकी आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो यही बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। मज़ीद यहाँ पे मैं दोबारा से एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, आपको स्किल रिक्वायर्ड है। हाँ, ये है कि आपकी जो बेसिक स्किल है वो आपको रिक्वायर्ड है स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको इस कोर्स के अंदर वो टेक्निक्स बताऊंगा कि आपके पास जो स्किल्स नहीं है उनके ऊपर आप किस तरह से काम कर सकते हो और उनको यूज़ करते हुए आप किस तरह से अर्निंग्स कर सकते हो। आपको उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उनसे अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बट मेक श्योर कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी स्किल हो आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।